अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आए दिन मुमरा कौसा में किसी न किसी राशनिंग दुकान का कुछ न कुछ मसला सामने आते रहता है। कभी थंब इम्प्रेशन जो है बायोमेट्रिक सर्वे के लिए उसमें गड़बड़ी, दुकानदारों द्वारा जो है ग्राहकों को परेशान करना, राशन कार्ड धारक जो है जो कि ये इस तरीके की परेशानियों का सामना करते हुए इन्हें कई कई महीने तक राशन नहीं मिलता है, और राशन मिलता भी है तो अनाज जो है जिसमें कीड़े निकलते हैं, कचरा निकलता है। ऐसा ही एक मामला मंगलवार की सुबह सामने आया। शंकर मंदिर, संजय नगर, आनंद कोलीवाड़ा, इस पूरे परिसर की दुकानों पर जो है जो दाल राशन दुकानों पर राशन कार्ड धारकों को दी जा रही थी वो दाल कितनी खराब थी, और जिसके चलते ग्राहकों में और राशन कार्ड धारकों में भारी नाराजगी थी। तो इसी मुद्दे को लेकर के शहर के वरिष्ठ नगर सेवक राजन किने पहुंच गए सीधे मेक कंपनी स्थित राशन ऑफिस में। वहां पर रेशनिंग कंट्रोल का जो ऑफिस है उसके जो यहां के मुख्याधिकारी है उनके पास गए तो ये मुख्याधिकारी उस वक्त मौजूद नहीं थे। उनकी अधीनस्थ अधिकारी, महिला अधिकारी जो थी, उनसे राजन किने ने बात की, वो मुद्दा उन्हें बताया कितनी खराब दाल है, वो दाल उन्होंने बताई और उस पर उन्होंने फौरन जो है कार्रवाई करने की मांग की। क्या कहा इस पूरे मुद्दे पर राजन किने ने, सुनिए हमारी इस खबर में और देखिए किस तरीके से ये पूरा मामला रहा। आश्वासन ये कि जो दाल दी गई है हमारे नागरिकों को वो सड़ी हुई दाल है, उसमें बहुत सारे कीड़े लगे हुए हैं और उसका तकरार करने के लिए हम यहाँ राशनिंग ऑफिसर के पास आए थे। उन्होंने वो दाल का सैंपल और हमारे हमने एक पत्र बनाया था तकरार के माध्यम से उनको दिया है। उन्होंने कहा कि हम तुरंत वो दाल का जो वितरण हो रहा है वहाँ से वो बंद करवाते हैं और इसको हम लोग जाँच के लिए भेज देते, ऐसा आश्वासन दिया उन्होंने। इस लिखित शिकायत के बावजूद अगर यहाँ से जो है आपके लेकर का नज़रअंदाज किया गया तो आप क्या कहते हैं? अभी नज़रअंदाज किया है तो फिर हमारा हथियार हम ये करते हैं, फिर उसको हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे हथियार को कौन सा हथियार? हमारा जो भी आंदोलन का हथियार है, जो भी क्या बोलते हैं उसको, विधायक तरीके से जो भी लोगों का ये देना है, न्याय देना है, उस तरीके से हम उनको न्याय दिलाएंगे। ये वाला